आइए दोस्तों चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ डिमांड, जो कि अपन लास्ट पार्ट में इंट्रोडक्शनरी पार्ट अपन ने कुछ कंसेप्ट देख लिए थे। आज अपने उसी चैप्टर को आगे खत्म करने की कोशिश करेंगे इन पार्ट 2 वीडियो ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिमांड विद शेपर्स एजुकेशन। मैं गौरव शर्मा, आइए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2 डिमांड कंसेप्ट। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ ली थी, अपन ने डेफिनेशन ऑफ डिमांड देखा था, कंसेप्ट ऑफ डिमांड देखा था, अपन ने ये भी देखा था कि डिमांड का डायग्राम क्या होता है वगैरह वगैरह। आज अपने इस लेक्चर के अंदर आज अपन चालू करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से। बेसिकली डिमांड के अंदर क्या रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस के बीच में, वो समझाता है अपने को लॉ ऑफ डिमांड। अपन ने इसके अलावा कुछ सर्टेन फैक्टर्स देखे थे डिमांड के, जहां पे डिमांड खाली प्राइस से फ्लक्चुएट नहीं होती बल्कि अदर फैक्टर से भी फ्लक्चुएट होती है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। वही अगर मैं बात करूं इन्फीरियर गुड्स की, तो जब कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, जब डिमांड बढ़ती है, अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, अगर मेरे इंफीरियर गुड्स, अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की, तो जब इनकम मेरी इंक्रीज होगी तो वही इंफीरियर गुड्स की डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था अपन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, जब अपन ने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अपनी डिमांड बहुत फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है, बहुत अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं जिनकी वजह से अपनी डिमांड क्या होगी, फ्लक्चुएट होती है। पर लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बोल रहा है कि जब आपकी डिमांड के अंदर चेंजेस आता है, जब आपकी डिमांड आइदर इंक्रीज होगी या फिर आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, और वो खाली एक ही फैक्टर को कंसिडर कर रहा है जो कि है मेरी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कि कॉमोडिटी की प्राइस क्या रहेगी उसके हिसाब से मेरी डिमांड फ्लक्चुएट होगी। ये बेसिकली बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज इसी लॉ को अपने आगे पढ़ेंगे, इसका डायग्राम देखते हैं कैसा डायग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The law of demand state the functional relation, किसके बीच में relation बता रहा है सर? सबसे पहले तो price of product, किसी भी product की price and किसी भी product की demand, मतलब यहाँ पे दो variable को मैंने consider करा है, जिसको मैं बोलता हूँ price of the variable and relation between the price and the demand। अच्छा, यहाँ पे relation कैसा है price और demand के बीच में? सर उल्टा opposite reaction है। क्यों opposite है? क्योंकि जब मेरी किसी भी product की price increase होती है तो उस product की demand क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी। तो basically क्या हो रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे प्राइस और डिमांड ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। जब मेरी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड मेरी कम हो जाएगी, और जब मेरी प्राइस कम होगी तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। ये होता है सर बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली जहां पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में। आगे बढ़ते हैं सर, कैसा डायग्राम यहाँ पे बनता है सर? बेसिकली जब मेरी प्राइस इंक्रीज होती है, लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरी प्राइस थी 20 तो मेरी कॉमोडिटी की डिमांड होगी 50। वहीं अगर मेरी प्राइस बढ़ जाती है इस बार 30 तो सर डिमांड कंज्यूमर कम करेगा, लेट से 10 की, तो क्या हो गया सर, प्राइस बढ़ी डिमांड मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये होता है सर लॉ ऑफ डिमांड। कैसा डायग्राम बनेगा सर? नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो क्या बोल रहा है कि जब अपने अदर थिंग्स, मतलब सारे के सारे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहते हैं, और क्या किस में रिलेशन फाइंड करते हैं अपने, प्राइस और डिमांड के बीच में, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस। जब मेरी प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर मेरी प्राइस क्या हो गई, अगर राइज इन प्राइस हुआ तो मेरी डिमांड डिमिनिश, मतलब कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग, इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अ राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, लीड टू फॉल इन इट्स डिमांड, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। वाइस वर्सा ऑपोजिट रिएक्शन होगा, जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये होता है बेसिकली मेरा क्या सर, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, इसका ये हो गया, मैंने ग्राफ के फॉर्म में लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट कर दिया। तो जब भी मैं लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको मैं बोलता हूं डिमांड कर्व। अच्छा, वही डिमांड को मैंने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड शेड्यूल। अगर आप ग्राफ को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दो डिमांड का तो उसको मैं बोलूंगा सर डिमांड कर्व। वही अगर मैं डिमांड को प्रेजेंट कर दू इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में मैंने प्रेजेंट कर दिया तो वो मेरा हो गया डिमांड शेड्यूल। देखिए जैसो, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दे रखी है एक्स, जब मेरी प्राइस थी 5 रुपए, मेरी डिमांड थी प्रोडक्ट एक्स की 10। जैसे जैसे मेरी प्राइस क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, वैसे वैसे मेरी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, बेसिकली इनवर्स रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच में। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अपने को यही समझाना चाहता है कि जब मेरे सारे अदर फैक्टर्स
जब मेरे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, सारे अदर फैक्टर्स मेरे कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इक्वल रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इक्वल रहेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इक्वल रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और वो इनवर्स रिलेशन शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इसी के साथ आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं सर, डिमांड। डिमांड का अभी अपन ने देखा कि ग्राफ ग्राफ के फॉर्म में अगर मैं डिमांड को प्रेजेंट कर दूं, जैसे यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में डिमांड को प्रेजेंट कर रखा है, तो क्या हो रहा है सर, डिमांड कर्व इज द लोकस ऑफ द पॉइंट शोइंग द वेरियस अल्टरनेटिव, अलग अलग अल्टरनेटिव शो कर रहा है कि जब मेरी प्राइस 20 होगी तो मेरी डिमांड होगी 50, जब मेरी प्राइस 10 होगी तो मेरी डिमांड होगी 70, जब मेरी प्राइस 30 हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इस बार मेरी डिमांड हो गई 30, तो अलग अलग पॉइंट शो कर रहा है, ये हो गया डिमांड कर्व। यहाँ पे पॉइंट बी पे शो कर रहा है कि आपकी डिमांड बढ़ी हुई है, पॉइंट ए पे शो कर रहा है डिमांड आपकी 50 है, पॉइंट सी पे शो कर रहा है डिमांड आपकी 30 है। तो बेसिकली जहां पे अलग अलग पॉइंट क्या करते हैं, शोइंग द वेरियस अल्टरनेटिव प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं डिमांड कर्व। तो इन दिस डायग्राम ओ एक्स, ये देखो ओ एक्स, अपने को ओ एक्स वी कैन बी मेजर द क्वांटिटी डिमांड एंड अलोंग ओ वाई, यहाँ पे मेरे को ओ एक्स दे रखा है, ओ वाई दे रखा है, ओ एक्स और ओ वाई क्या शो कर रहा है, एक जगह पे प्राइस आ रही है, दूसरी जगह पे मेरी डिमांड आ रही है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। बेसिकली ये जो कर्व है ना, ये इस कर्व को मैं को क्या बोलता हूँ, इस कर्व को मैं बोलता हूँ डिमांड कर्व। और ये कर्व कैसे डिटरमाइन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस और डिमांड। जब मेरी प्राइस, सपोज करना कि यहाँ पे मेरी प्राइस होगी 50, तो डिमांड मेरी मार्केट में होगी खाली 10, वही अगर मेरी प्राइस हो जाती है 20, तो डिमांड भी मेरी इस बार बढ़ के हो जाएगी 30। तो बेसिकली क्या हो रहा है सर, इनवर्स रिलेशन यही बोलता है अपने को, लॉ ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लॉ ऑफ डिमांड के केस में, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या बता रहा है सर, रिलेशन बताता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है कि ये रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, मतलब कैसा रिलेशन है सर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब ऑपोजिट रिएक्शन है। इफ द प्राइस राइज, जब मेरी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, तो मेरी डिमांड फॉल, मतलब मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं मेरी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, प्राइस अगर फॉल हो जाती है मतलब कम हो जाती है, तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या बोल रहा है सर, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब इनवर्स रिलेशन है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को बोल रहा है कि प्राइस, अच्छा अभी अपन ने अभी ग्राफ बनाया जहां पे मैंने लिखा प्राइस, दूसरी तरफ मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांड। अच्छा प्राइस मेरा बच्चों कैसा फैक्टर है, मतलब ऐसा वेरिएबल है, वो फैक्टर है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे प्राइस क्या डिमांड के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं सर, यहाँ पे डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है, मतलब मेरा डिमांड जो है ना वो मेरे लिए क्या हो गया सर, बेसिकली डिमांड मेरे लिए हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। और प्राइस मेरा क्या हो गया सर, प्राइस बेसिकली यहाँ पे मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पे तुम पढ़ोगे इफ अ प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, प्राइस की चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसलिए मैं प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूँ, डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आता है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि अपन ने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा कि इनवर्स रिलेशन रहेगा प्राइस और डिमांड के बीच में, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ा कि जब मेरा प्राइस क्या रहेगा सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और डिमांड मेरा डिपेंडेंट रहेगा, मतलब मेरी डिमांड डिपेंड करेगी प्राइस के ऊपर, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, वही अगर मेरी प्राइस कम होगी तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है लॉ ऑफ डिमांड, अज्यूम करता है कि आपके सारे अदर फैक्टर क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, मतलब आपके अदर फैक्टर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम दैट ऑल द अदर फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एक्सेप्ट प्राइस को छोड़ के रिमेन्स द सेम, सबके सब चेंज नहीं होने वाले हैं, सबके सब सेम रहने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम सेम
रहेगी, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस भी कंज्यूमर का सेम रहेगा, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी प्राइस चेंज नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो जब मेरे सारे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहते हैं और प्राइस के अंदर चेंज आता है, अच्छा एक और चीज, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके सारे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेंगे और खाली प्राइस में चेंज हो रहा है। ये बेसिकली अपने किताबों में पढ़ रहे हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, जब अदर फैक्टर मेरे कॉन्स्टेंट रहते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनवर्स रिलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि प्राइस मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। इस वजह से क्या हो रहा है सर, बेसिकली नेगेटिव स्लोप बन रहा है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। और इसी स्लोप को, इसी को मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने डिमांड को प्रेजेंट कर दिया ग्राफिकल फॉर्म में, तो इसको मैं बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कर्व बोलता हूँ। वही अगर मैंने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया डिमांड और प्राइस को, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड शेड्यूल। वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आता है कि रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। सर क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड, क्यों इनवर्स शो करता है, क्यों नेगेटिव स्लोपिंग है, क्यों प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या फिर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, इनवर्स रिलेशन के मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशन, रीजन क्या क्या है। सबसे पहला तो आता है मेरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बेसिकली क्या बोलता है, व्हेन अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस कम होती है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरा मार्कर है, मेरा पेन है, पेन की प्राइस कम हो रही है, व्हाइल प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स मेरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है सब बच्चों, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर चाहे तो कोको कोला पी सकता है, अगर उसको कोको कोला नहीं मिलती है, प्राइस ज्यादा लगती है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, पेप्सी पे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जो अपन फैक्टर्स के अंदर पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल हो गई और अदर फैक्टर, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं कि पेप्सी का प्राइस क्या हो गया सर, कम हो गया, और कोको कोला का प्राइस आज भी कितना है, 40 है। तो क्या होगा, जो कोको कोला से लोग 40 से शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, सस्ती चीज पे, मतलब पेप्सी पे, जो खाली किस पे दे रहा है, 35 रुपए में 1 लीटर दे रहा है। तो क्या होगा, बेसिकली जो मेरे अदर ऑल्टरनेटिव गुड्स है ना, वहां से भी कंज्यूमर मेरे गुड्स पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड मेरी बेसिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या होता है, वापस एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, व्हाइल प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे गुड्स की प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, दिस कमोडिटी बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड चीपर टू द कंज्यूमर। इसलिए लोग क्या करेंगे, कोको कोला से पेप्सी पे आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को वो पेप्सी अट्रैक्टिव लगेगी, कम प्राइस में लगेगी, और हिंदुस्तान के लोग कम प्राइस वाली चीज ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो वहां पे कम प्राइस वाली चीज मतलब पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। देयरफॉर वी विल सब्स्टिट्यूट इट फॉर द अनदर अदर कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स, द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मार्केट, इट मींस मोर प्राइस अट्रैक्टिव, मोर प्राइस अट्रैक्टिव एज अगेंस्ट टू इट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स से ज्यादा मेरे गुड्स पे आएंगे, क्योंकि मैंने मार्केट में प्राइस क्या कर दी, बाजार में प्राइस कम कर दी। जैसे किसने किया था सर, रिलायंस जियो ने प्राइस कम कर दी, सारे अदर लोग, सारे अदर कंज्यूमर किस पे आ गए थे, जियो पे आ गए थे, अपने अपनी सिम कार्ड कंपनी को छोड़ के सब किस पे शिफ्ट हो गए, किस पे स्विच करवा लिया, अपने मोबाइल नंबर को जियो पे करवा लिया। क्या हुआ सर, जियो की डिमांड बढ़ गई। ये होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इस वजह से मेरा जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है ना, वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। इसका दूसरा कारण भी है सर, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या सर, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पढ़ा था, जिसके वजह से मेरी प्राइस क्या होती है, बेसिकली मेरी प्राइस और डिमांड इनवर्सली वर्क करती है, वैसे ही इनकम इफेक्ट मतलब क्या, इनकम इफेक्ट मतलब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या फिर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। पर सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इनकम मेरा अदर फैक्टर में आता है, अदर फैक्टर आपके क्या रहेंगे, अदर फैक्टर सारे के सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकम का, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि अदर फैक्टर आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब इनकम भी आपकी क्या रहेगी सर, इनकम भी बाजार के अंदर आपकी फिक्स रहेगी। तो कैसे किसी प्रोडक्ट की, अगर सपोज करना कि मैं हर हर साल हर महीने 100 रुपए अर्न कर रहा हूँ, 100 रुपए में कमा रहा हूँ, वही 100 रुपए में से 30 रुपए की मैं हर महीने क्या खा लेता हूँ सर, आइसक्रीम खा लेता हूँ,
सपोज करना ये हो गई मेरी आइसक्रीम, मैं 30 रुपए की आइसक्रीम खा रहा हूँ हर महीने, वही इस साल अगर आइसक्रीम कंपनी ने, वेनिला कंपनी ने अपनी प्राइस को क्या कर लिया सर, अगर अपनी प्राइस को कम कर लिया तो क्या अब मैं, अच्छा प्राइस कितनी कम कर दी सर, 10 रुपए कर दी, मतलब पहले मैं 30 रुपए दे रहा था आइसक्रीम को मेरी सैलरी में से, 100 रुपए में से 30 रुपए मैं हर महीने आइसक्रीम कंज्यूम कर लेता था, अब वही आइसक्रीम अब मेरे को 10 रुपए में मिल रही है, क्या मैं 3 आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, बिल्कुल सर मेरी डिमांड क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, 3 से इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हुआ सर, यही तो मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ डिमांड, यही तो बोलता है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास अभी भी 30 रुपए ही है, पहले 30 रुपए में 1 आइसक्रीम कंज्यूम करता था, आज वो 30 रुपए में 3 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, तो प्राइस की बढ़ कम होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बेसिकली यही होता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड, यही रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। आइए एक बार लॉ ऑफ डिमांड वापस पढ़ते हैं। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी मींस क्या बोल रहा है, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कम होगी, कंज्यूमर कैन परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय स्पेंडिंग लेस, इस बार वो क्या करेगा, कम खर्चा करके उसी क्वांटिटी को, मतलब 30 रुपए में मैं 1 आइसक्रीम खाता था, आज मैं 10 रुपए में 1 आइसक्रीम खा रहा हूं, मतलब मेरी इनकम, मेरा पैसा बच गया, लेस स्पेंड कर रहा हूं मैं आइसक्रीम के ऊपर, अबाउट अमाउंट ऑफ द मनी एंड मोर क्वांटिटी बाय स्पेंडिंग द सेम अमाउंट इन आइदर केस ही कैन ही इज बेटर ऑफ और वेल ऑफ, दैट इज टू से अ फॉल इन द प्राइस, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है इंप्लाइज एन इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि परचेसिंग पावर मनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज इन द रियल इनकम, रियल इनकम भी क्या हो जाएगी, लोगों की बढ़ जाएगी, मतलब अब वो क्या करेगा सर, अब बेसिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास परचेसिंग पावर बढ़ गया, भले ही उसकी इनकम क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था उसकी इनकम 100 रुपए है, आज भी 100 रुपए ही रहेगी, मतलब इनकम रिमेन द कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर मेरे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो ये बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके बारे में शेड्यूल पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व पढ़ा अपन ने, रीजंस पढ़े, 2 रीजन अभी अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से रीजन थे, सबसे पहला रीजन तो मेरा था कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, मेरी डिमांड डिक्रीजिंग रहती है, मेरी डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व मेरा डिक्रीजिंग रहेगा, नेगेटिव स्लोपिंग रहेगा, क्यों, क्योंकि इनकम इफेक्ट होता है और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इन दोनों कारण की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर, लॉ ऑफ डिमांड मार्केट में क्रिएट होता है। आगे पढ़ते हैं विद द रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजन है फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी अपन ने देखा कि कर्व मेरा कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, तो बेसिकली इसका क्या मेन कारण है, क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पढ़ते हैं इसी को, कि रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, if we study the slope of the demand curve we shall find that it is downward sloping curve from the left to right, kya bol raha hai ki downward sloping hai kaise left se right tak, theek hai ha, to kya bol raha hai curve from the left to right except in the case of the inferior goods, inferior goods ke case mein ya fir other exception ke case mein nahi hota hai, wo aake apne other exceptions padhne wale hai kya kya hai, par filhal apne padhte hai ki reason for the downward sloping kya kya hai, sabse pehla reason aata hai sir नेगेटिव सब्सटीट्यूट इफेक्ट, नेगेटिव सब्सटीट्यूट इफेक्ट जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सब्सटीट्यूट इफेक्ट पढ़ा एग्जैक्टली वही है कि नेगेटिव सब्सटीट्यूट इफेक्ट हो रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस क्या रहती है सेम रहती है तो सब्सटीट्यूट गुड्स के कंज्यूमर मेरे पास मेरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे जिससे मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी उसको मैं क्या बोलता हूँ सब्सटीट्यूट इफेक्ट और ये सब्सटीट्यूट इफेक्ट कैसा है दोस्तों ये सब्सटीट्यूट इफेक्ट नेगेटिव है एक बार पढ़ते हैं वी नो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है सर डिक्रीज हो रही है इट बिकम रिलेटिवली चीपर वो मेरे को ज्यादा सस्ता लगता है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूट गुड्स देन अदर कॉमोडिटी देयर फॉर द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट इट फॉर द अदर कॉमोडिटी एंड अकॉर्डिंगली इट्स डिमांड गोज अप और उस वजह से मेरी डिमांड क्या हो रही है दोस्तों उस वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है आगे पढ़ते हैं दस सब्सटीट्यूट इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इसलिए ये हमेशा मेरा क्या है नेगेटिव इफेक्ट देगा और इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है सर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है कि जब मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस 50 से मैंने किसी प्रोडक्ट की प्राइस 20 कर दिए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर उसकी डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी यही तो मैं समझाना चाहता हूँ यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है क्या बोल रहा है सर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा मेरे डिमांड कर्व का
आगे इसी के साथ पढ़ेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट रीजन आता है मेरा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, वो भी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अभी सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना नेगेटिव इनफेक्ट इनकम इफेक्ट, जब मेरी इनकम क्या हो जाएगी सेम रहती है क्योंकि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो जब मेरी इनकम सेम रहेगी और किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब मैं वहां पर क्या करूंगा ज्यादा, मैं वहां पर डिमांड ज्यादा क्रिएट करता हूँ मार्केट के अंदर। तो पढ़ते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स के केस में कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पढ़ते हैं। लाइकवाइज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है, लीड टू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पहले 30 रुपए में मैं 1 क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करता था, अब प्राइस हो गई आइसक्रीम की 10 रुपए, तो क्या अब मेरी क्वांटिटी डिमांड 3 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर, अब आप क्या करोगे, 3 क्वांटिटी यूज करोगे, 3 क्वांटिटी को कंज्यूम करोगे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज लीड टू एन इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयरफॉर ही बाय मोर ऑफ दिस कमोडिटी एंड एनी अदर कमोडिटी और एनी अदर कमोडिटी, द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर द सुपीरियर गुड्स विच एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए मेरा कर्व कैसा बन रहा है सर, इसलिए मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। अगर वही मैं बात करूं सुपीरियर गुड्स की, नहीं दोस्तों मैं अगर बात करूं इंफीरियर गुड्स की, हाउएवर इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स मतलब क्या गुड्स, कौन से गुड्स सर जिनकी क्वालिटी क्या होती है, लो होती है, लोअर क्वालिटी गुड्स जो कंज्यूम करते हैं लोग जिनकी इनकम कम रहती है। तो इन द केस ऑफ हाउएवर इन द केस ऑफ द इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, वहां पे मेरा इनकम इफेक्ट कैसा स्लोप करेगा सर, वहां पे मेरा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव स्लोप करेगा। क्यों सर पॉजिटिव स्लोप करेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मेरी इनकम कांस्टेंट है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि सपोज करना कि पहले मैं 30 रुपए के अंदर एक आइसक्रीम खाता था, कौन सी क्वालिटी सर, वेनिला क्वालिटी की मैं खाता था। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अगर वेनिला क्वालिटी ने, वेनिला आइसक्रीम ने अपनी प्राइस कम कर दी, अपनी प्राइस डिक्रीज कर दी 10 रुपए कर दी, तो क्या मैं अच्छा प्रोडक्ट खा नहीं सकता क्या? बिल्कुल सर, अब मेरे पास क्या करूंगा, मैं बढ़िया क्वालिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। मतलब इंफीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी मेरी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस के एग्जांपल क्या होते हैं सर, जैसे तुमने सुना होगा व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, दो टाइप की ब्रेड आती है। नॉर्मली जिनकी इनकम कम रहती है वो क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं सर, व्हाइट ब्रेड खाना पसंद करते हैं। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ जाती है, या फिर मैं बोलूं इनकम कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अपने पढ़ रहे लॉ ऑफ डिमांड, तो जब मेरी इनकम कॉन्स्टेंट है और अगर इंफीरियर गुड्स की प्राइस, व्हाइट ब्रेड की डिमांड कम हो गई, तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर अब अपना पैसा यूटिलाइज करेगा तो सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी क्या है, बढ़िया है। तो बढ़िया गुड्स के केस में क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, इंफीरियर से शिफ्ट हो जाएगा बढ़िया क्वालिटी के ऊपर। तो इंफीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस मेरी पहले 50 थी, कॉमोडिटी में 50 सेल कर रहा था, प्राइस कम हुई तो कॉमोडिटी भी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट रीजन। अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूट नेगेटिव इफेक्ट होता है और इनकम नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट आता है मेरा मार्जिनल कंज्यूमर हु वर नॉट अप टू दिस टाइम इन अ पोजीशन टू बाय द कमोडिटी, दैट कमोडिटी। एक ऐसा मार्जिनल कंज्यूमर हु वर नॉट अप टू दिस टाइम अभी इन अ पोजीशन टू बाय दैट कमोडिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस, नाउ स्टार्ट बाइंग इट ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। क्या हो रहा है, एक नॉर्मल कंज्यूमर जिसकी इनकम है 100 रुपए, उसको गुड्स खरीदना है 200 रुपीज का, पर वो नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि उसकी इनकम क्या है सर, मैं बोल रहा हूं अभी भी उसकी इनकम 100 रुपए ही है, आज भी 100 रुपए है, पर अब उसके जो प्रोडक्ट जो खरीदना चाहता है ना, उसकी प्राइस कम होके कितनी हो गई, 100 रुपए हो गई, क्या अब वो गुड्स को खरीद सकता है क्या, बिल्कुल खरीद सकता है। तो एक मार्जिनल कंज्यूमर हु वर नॉट अप टू दिस टाइम, अभी तक तो वो क्या नहीं था, इस पोजीशन पे नहीं था कि वो गुड्स को खरीद सके, क्योंकि वो 200 रुपए का था, उसकी इनकम 100 रुपए की थी, इन अ पोजीशन टू बाय दैट कमोडिटी। बट अगर मैं बात करूं कि उसकी प्राइस क्या हो जाए, उस कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाए, तो क्या कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे उसकी प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, दस दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, इसलिए कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी मेरी, इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये मैंने तीन रीजन पढ़े किसके, डाउनवर्ड स्लोपिंग के, मेरा डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सबसे पहले मैंने पढ़ा सब्स्टिट्यूट नेगेटिव इफेक्ट रहता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट रहता है, फिर अपन ने पढ़ा एक मार्जिनल कंज्यूमर जो अभी तक तो इस पोजीशन में नहीं था कि वो प्रोडक्ट खरीद सके, पर प्रोडक्ट की प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट को यूज कर सके, कंज्यूम कर सके, उतना उसके पास पैसा है। फोर्थ रीजन मेरा, फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन क्या आता है लॉ ऑफ डिमांड का, व्हेन अ कमोडिटी हैज नंबर ऑफ यूजर, अगर किसी कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजर है, बहुत सारे यूजेस है, नॉट यूजर्स, मैं बोल रहा हूँ यूजेस। जैसे एग्जांपल आता है मेरा, दो मिनट, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉमोडिटीज, ऐसे गुड्स रहते हैं जहां पे, जैसे मिल्क, मिल्क के केस में क्या मिल्क का एक ही यूज है क्या? नहीं सर, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है सर, मिल्क से पनीर बनता है, चीज बनता है, मिल्क से बटर मिल्क बनता है, कर्ड बनता है, मिल्क से अलग अलग मिठाई मिठाई वगैरह बनती है, स्वीट डिश बनती है, तो बेसिकली मिल्क का बहुत सारे यूजेस है। तो जब किसी कॉमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, वहां पे इनकम इफेक्ट क्या होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या, मतलब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड कैसे नेगेटिव स्लोप करेगा, वो अभी पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉमोडिटी हैज नंबर ऑफ यूजेस, इट्स डिमांड राइजेस। अरे दिखती सी बात है, मिल्क के भाव, दूध के भाव क्यों बढ़ रहे, क्योंकि सर उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। पर अगर मैं ही बात करूं कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, या फिर वाइस वर्सा कि जब डिमांड बढ़ रही है क्योंकि डिमांड कम हो रही है क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई सर, फॉल हो गई, या फिर डिमांड कम हो रही है क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे यूजेस है, तो इस केस में इज यूज ओनली फॉर लाइटिंग पर्पज। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी मेरी क्या है, महंगी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो खाली मैं उसका लिमिटेड यूज करूंगा, मतलब उसकी लिमिटेड क्या करता हूं, मैं डिमांड करता हूं। वही अगर उस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इस साल क्या हो गई है, गवर्नमेंट ने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दी, मतलब उसकी डिमांड में यूजेस भी उसका क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। मिल्क की केस में अगर मिल्क की प्राइस क्या हो जाती है, कल को मिल्क की प्राइस कम हो जाती है और मेरी मिठाई की दुकान है, तो मैं बाकी सारी मिठाई बाद में बनाऊंगा, पहले मिल्क से बनने वाली मिठाई ज्यादा बनाऊंगा, मतलब मिल्क की डिमांड क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मिल्क की प्राइस क्या है सर, कम है मार्केट में, तो उससे बनने वाली मिठाई मैं ज्यादा बनाता हूँ। तो ये हो रहा है मेरा फोर्थ नेगेटिव इफेक्ट, ये हो रहा है मेरा फोर्थ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है सर एक और चीज नेक्स्ट और आखिरी रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एट अनदर कॉज। क्या बोल रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब जो लोग रिच है उनके पास पैसा ज्यादा है, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं सर, लग्जरी गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि गरीब हो रहा है, उनकी इनकम और कम हो रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, भले ही वो काम भी नहीं कर रहा है ना, तो उसका पैसा उसके लिए काम करके लेके आता है, पैसा बना के लेके आता है, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, और अमीर हो रहा है। जब आदमी अमीर होगा तो क्या खरीदेगा सर, लग्जरियस गुड्स ज्यादा खरीदेगा। बस यहाँ पे वही समझाना चाह रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन एट अनदर कॉज, दिस विद हाई इनकम बाय अ कमोडिटी इवन थ्रो द प्राइस इज हाई, बट वेन द प्राइस फॉल दोज विद लो इनकम, अगर किसी गुड्स की, किसी लग्जरियस गुड्स की इनकम ज्यादा, प्राइस ज्यादा है मार्केट के अंदर, क्या ज्यादा है सर, प्राइस ज्यादा है, तो रिच कैटेगरी खाली उसको क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। वही उसी प्रोडक्ट की, उसी लग्जरियस गुड्स की, लेट्स से मैं बोलता हूं सर आईफोन, आईफोन की प्राइस कम हो गई, जिससे क्या होगा, रिच कैटेगरी तो खरीद रही है, वो तो अभी भी खरीदेगी, पर उससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी क्या करेगी, आईफोन की डिमांड इंक्रीज कर देगी, तो उसकी डिमांड इंप्रूव हो जाएगी। तो क्या हुआ सर, लग्जरियस गुड्स की प्राइस मेरी पहले कितनी थी, लेट्स से मैं बोलता हूँ 50,000 रुपए, अब प्राइस हो गई है 30,000 रुपीज, तो 50,000 में प्रोडक्ट मेरे सेल होते थे लेट्स से 1 लाख यूनिट, अब अगर 30,000 हो गया तो मिडिल क्लास फैमिली भी कंज्यूम करेगी, तो अब मेरे डिमांड हो जाएगी 5 लाख, मतलब क्या हो गया सर, डिमांड बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ी, मेरी प्राइस क्या हो गई फिर कम हो गई, उसके वजह से डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि यहाँ पे
अपन ने देखा कहाँ कौन कौन से गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ। पर अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, मतलब ऐसे भी बहुत सारे गुड्स हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई बेसिकली नहीं हो पाता है। पढ़ते हैं, द फॉलोइंग आर द मेन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मेरे लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ऐसी जगह ऐसे गुड्स है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था अभी तक अपने को, कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब मेरी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है ना डिमांड और प्राइस के बीच में। ये नहीं होगा किस केस में सर, एक्सेप्शनल गुड्स के केस में। एक्सेप्शनल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अब क्या क्या आते हैं एक्सेप्शनल गुड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तो एक्सेप्शनल रिगार्डिंग प्राइस वेरिएशंस, व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई भी कंज्यूमर ये देखता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का, गोल्ड में अपने देख रहे हैं कि पिछले 30-40 सालों से गोल्ड की प्राइस क्या हो रही है, सब कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रही है। अगर गोल्ड की प्राइस में बोलूं कि पिछले 30-40 सालों से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कि व्हेन द कंज्यूमर एक्सेप्ट When consumers expect a continuous rise in the price of the commodity, they would buy more. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइस और भी इंक्रीज हो सकती है, तो वो अभी क्या कर लेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर लेंगे। मतलब प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है इनवर्स होना चाहिए, पर यहाँ पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन नहीं है। तो मतलब इस केस में मेरा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला एक्सेप्शन। नेक्स्ट मेरा एक्सेप्शन आता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से गुड्स आते हैं, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू, ऐसे गुड्स, ऐसे लग्जरियस गुड्स जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। पर अगर मैं बात करूं फॉर्च्यूनर जैसे लग्जरियस गाड़ियों की, जब प्राइस बढ़ती है तो क्या डिमांड कम होती है कि अरे सर रिच क्लास खरीदती है, वहां पे 5-10 लाख से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 5-10 लाख से फॉर्च्यूनर की प्राइस इंक्रीज भी कर दोगे ना, तो भी कंज्यूमर वहां पे अगर उसको लेना है तो लग्जरियस गुड्स में डील करता है तो वो वही गुड्स खरीदेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लग्जरियस गुड्स के अंदर देयर आर सम गुड्स व्हिच आर परचेज मेनली फॉर, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वो गुड्स किसके लिए खरीदते हैं सर, सिंबल स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं। ऐसे लग्जरियस गुड्स जो स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स जिसको मैं बोलता हूँ, तो बेसिकली वहां पे प्राइस मैटर नहीं करती है। कितनी भी प्राइस आप क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, खरीदने वाले तो खरीदेंगे, मतलब डिमांड भी मेरी क्या होगी सर, दिन ब दिन इंक्रीज ही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। अब ऐसे कौन से गुड्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल अपन ने फॉर्चुनर का लिया, आईफोन का लिया, बेसिकली यहाँ पे आते हैं जैसे डायमंड हो गए, कॉस्टली ज्वेलरीज हो गई, लग्जरियस मोबाइल गाड़ी वगैरह हो गई, एक्सपेंसिव गाड़ियां हो गई वगैरह वगैरह। तो इन सब केसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड अपना अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है सर, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सर मेरा इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स और जिसको मैं बोलता हूँ ग्रिफन गुड्स, जो नाम निकला था किससे सर, एक आदमी था जिसका नाम था ग्रिफन पैराडॉक्स, उसने ये थियरी बताई थी और उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया, इस एक्सेप्शन का नाम रख दिया ग्रिफन गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में, जहां पे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंफीरियर लो क्वालिटी, प्राइस अगर कम हुई तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे बढ़िया क्वालिटी के ऊपर, मतलब लो क्वालिटी की डिमांड क्या हो गई सर, कम हो गई। तो जब मेरी लो क्वालिटी की डिमांड कम हो गई तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का। क्या बोल रहा है, एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज नोन एज ग्रिफन गुड्स। नेम किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रिफन ने, किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रिफन ने इन 1837 से लेके 1910 तक, ये बेसिकली इसकी एज होगी। ग्रिफन गुड्स डज नॉट मीन एनी स्पेसिफिक कॉमोडिटी, इसका कोई स्पेसिफिक कॉमोडिटी से लेना देना नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिक कॉमोडिटी नहीं बता रहा, इट मे बी एनी कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, मच चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर
कंज्यूम्ड मोस्टली बाय द पुअर सेक्शन को सोसाइटी के, ऐसे लोग जो बेसिकली क्या है पुअर है वो इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज नेसेसिटी आइटम। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गए, क्लोथ हो गए, कोई भी फूड ग्रेन सर, बाजरा, ज्वार, व्हीट वगैरह, ये सब चीज हो गए। व्हेन अ प्राइस ऑफ सच इंफीरियर गुड्स फॉल, अगर किसी भी इंफीरियर गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंज्यूमर डज नॉट बाय मोर ऑफ इट, इंस्टेड दे स्पेंड सेविंग सेव्ड मनी ऑन द बेटर और सुपीरियर कॉमोडिटी लाइक से व्हीट, बटर, बेटर क्वालिटी ऑफ क्लोथ। दिस एक्सेप्शन इज नोन एज ग्रीफन पैराडॉक्स, बिकॉज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द इंफीरियर गुड्स डज नॉट लीड टू राइज इन इट्स डिमांड। इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसकी डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। हाउएवर इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज पैराडॉक्स एंड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कि अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ID 1, ID 2, ID 3, इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, इनडिफरेंस कर्व 3, बेसिकली वो चैप्टर में अपने जब पढ़ेंगे तब ये चीज के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, थर्ड एक्सेप्शन ये बोलता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, जैसे इंफीरियर गुड्स के केस में अपन ने देखा कि प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे अदर कॉमोडिटी के ऊपर। तो बेसिकली ग्रीफन गुड्स को मैं इंफीरियर गुड्स भी बोलता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा इल्यूजन सर, हिंदुस्तान में ये एक मिथ कह दो या फिर एक अपनी अपनी सोच कह दो, कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज महंगी है ना वो चीज बढ़िया होगी इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और जो चीज सस्ती है ना उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होते हैं ना उसकी डिमांड भी वो ज्यादा कर देते हैं, ये सोच के कि उसकी क्वालिटी क्या होगी एज कंपेयर टू चीपर प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी ज्यादा हो गया। हालांकि बहुत बार ऐसा होता भी है पर हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो जिस केस में ऐसा नहीं हो रहा है मतलब वो क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। अब पढ़ेंगे एक बार क्या बोल रहा है इल्यूजन। समटाइम कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स नोशन दैट अ हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट इज अ बेटर क्वालिटी, की जिसकी प्राइस क्या होगी हाई होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी बेटर होगी, एंड देयरफॉर व्हेन द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट फॉल, इसलिए उसकी प्राइस की अगर प्राइस अगर प्रोडक्ट की फॉल होती है, दे अंडरटेक एन इल्यूजन दैट द क्वालिटी मस्ट बी, क्या होगी सर, क्वालिटी को भी कम करा होगा कहीं ना कहीं, क्वालिटी को भी काटा होगा, क्वालिटी को भी रिड्यूस किया होगा, तभी तो उसकी प्राइस कम हुई है। ये ऐसा बेसिकली क्या रहता है, लोगों के बीच में मिथ रहता है सर, ये एक तरीके से इल्यूजन होता है। इट क्वालिटी मस्ट बी डिटेरियोरेट एंड देयरफॉर दे डू नॉट बाय इट, इसलिए वो उसको खरीदना भी पसंद नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस कम हुई तो मेरी डिमांड भी क्या हो गई सर, कम हो गई, मतलब ये भी मेरा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा, ये भी मेरे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में नहीं बता रहा है, मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट आता है व्हेन द कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन, सर फैशन चेंज हो गई, भले प्राइस कितनी भी क्या कर लो कम कर लो, डिमांड उसकी क्या होगी, कम होगी। मतलब फैशनेबल गुड्स के केस में भी ऐसे गुड्स जहां पे फैशन चली जाती है, ओल्ड ट्रेंड हो जाता है, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद में आता है डिमांड फंक्शन एंड डिमांड डिटरमिनेंट्स, कि क्या क्या मेरे डिमांड फंक्शंस है और क्या क्या मेरे डिमांड के डिटरमिनेंट्स है। आगे पढ़ते हैं, अभी तक अपन ने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब मैं डिमांड फंक्शंस पढ़ लेता हूँ, एक बार डिमांड डिटरमिनेंट्स पढ़ लेता हूँ। तो डिमांड फंक्शन डिमांड डिटरमिनेंट्स क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे मेरे फैक्टर्स है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जो फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से मेरी डिमांड क्या होती है, आइदर इंक्रीज होती है या फिर मेरी डिमांड कम होती है। कहने का मतलब मेरी डिमांड फ्लक्चुएट होगी, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है डिमांड के, वो सारे फंक्शन सारे फैक्टर्स के बारे में मेरे को लगा कि लास्ट क्लास में अपन ने शायद ये पढ़ा होगा, पर नहीं, ये लास्ट क्लास में अपन ने नहीं पढ़ा था। तो आज अपन इस फैक्टर्स को पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चैप्टर नंबर 2 डिमांड कंसेप्ट, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर आता है उसको खत्म कर देंगे आज अपन। तो आते हैं डिमांड फंक्शन के ऊपर, मतलब डिमांड किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिमांड प्राइस, मतलब उसी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, चेंज होगी। डिमांड सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से भी चेंज हो सकती है, डिमांड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से भी चेंज हो सकती है, डिमांड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी चेंज हो सकती है, डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी चेंज हो सकती है, और अदर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड आइदर मेरी क्या हो जाएगी इंक्रीज या फिर डिमांड मेरी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। सबसे पहले तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस, यही तो बोल रहा था लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड
कम हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे भी मेरा डिमांड क्या करता है, डिपेंड करता है। सेड अर्लियर, पहले अपन पढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ द वन कॉमोडिटी ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से डिमांड क्या होती है अफेक्ट होती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड टू फॉल इन इट्स डिमांड। अ फॉल इन इट्स प्राइस, अगर प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई, तो लीड टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम, मतलब अगर कंज्यूमर ज्यादा इनकम कमा रहा है, इनकम मेरी इंक्रीज हुई, तो क्या मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरी पॉकेट में पैसा भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब मेरी पॉकेट में पैसा ज्यादा आएगा तो मैं खर्चा भी ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, और जब खर्चा ज्यादा करूंगा तो डिमांड क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है। तो क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वन ऑफ द बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट सिंस इट इंडिकेट द परचेसिंग पावर ऑफ द डिमांड। मतलब अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो मेरी परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन डिमांड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। जब मेरी प्रोडक्ट की, मेरी कंज्यूमर की इनकम पहले 5,000 रुपए थी, अब मेरी कंज्यूमर की इनकम हो गई 10,000, तो क्या मैं डिमांड ज्यादा करूंगा क्या, बिल्कुल। इसलिए पॉजिटिव स्लोपिंग है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। जब इनकम मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। ये होता है मेरा डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। सेकंड नेक्स्ट आता है मेरा नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं अपने एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ऐसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर अपने को तीन डिटरमिनेंट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर समझा रखा है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, पर ये ऐसा इनकम सेम इफेक्ट नहीं देता है हर गुड्स के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपका गुड्स किस टाइप का है, आइदर वो नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स मतलब सर रोटी कपड़ा मकान, जिसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, रोटी के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ सर, खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो खाऊंगा तो सही ना। दिस गुड्स आर जनरली कंज्यूम्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी एंड इंक्लूड सच आइटम्स लाइक फूड ग्रेन, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग फूल, फ्यूल, मिनिमम क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। जो मैं बोलूंगा रोटी कपड़ा मकान, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ सच गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई मेरी इस साल, इंक्रीज हो गई, तो इन सब की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस केस में, एसेंशियल गुड्स के केस में। अगर इंफीरियर गुड्स की केस की बात करो, इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स आर द वाइड नोन नोन टू बोथ द कंज्यूमर एंड सेलर। दस फॉर एग्जांपल, एवरी कंज्यूमर नो दैट द ग्रेन इन इंफीरियर लाइक व्हीट, राइस, क्लोथ इन इंफीरियर टू केरोसिन स्टॉक इन द ग्राउंड, ठीक है, ट्रेवलिंग बाय द बस इज इंफीरियर बाय द ट्रेवलिंग बाय द टैक्सी। यार तो इंफीरियर गुड्स मतलब क्या होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी क्या रहती है, बहुत खराब रहती है, लो रहती है, जनरली खराब तो नहीं कहूंगा बट लो क्वालिटी गुड्स है। तो यहाँ पे उल्टा होगा कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है तो फिर वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देगा सर, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देगा। मतलब क्या हो रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। ये भी किसके अंदर आएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है मेरा लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स, मैंने बोला ना, जहां पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी सर, डिमांड भी बढ़ जाएगी। दिस गुड्स आर कंज्यूम मोस्टली बाय द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंक्लूड आइटम लाइक प्रीशियस ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, डायमंड, कॉस्टली फर्नीचर, फर्निशिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एक्सेट्रा। डिमांड फॉर सच गुड्स अराइज, इंक्रीज होती है सर्टेन लेवल ऑफ, किस पे डिपेंड करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करती है। अगर इनकम मेरी बढ़ गई तो क्या होगा, मैं ज्यादा डिमांड करूंगा लग्जरियस गुड्स, इनकम कम हो गई तो लग्जरियस गुड्स कम डिमांड करूंगा, इंफीरियर गुड्स ज्यादा डिमांड करता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सबसे पहले तो समझते हैं सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है, जिसको मैं बोलता हूँ जहां पे कोई ना कोई मेरे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कोको कोला। दूसरा आता है मेरा पेप्सी। कोको कोला नहीं मिला तो क्या पी लूंगा, पेप्सी पी लूंगा। पेप्सी नहीं मिला तो क्या पी लूंगा, कोको कोला पी लूंगा। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है सर, सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो ऐसे केस में जहां पे मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑपोजिट होता है कि जैसे पेप्सी की बात करूं मैं, पेप्सी की जनरल प्राइस लेवल क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई, तो लोग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोको कोला में शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोको कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, मेरी कोको कोला की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी।
वहीं अगर मैं बात करूं कि पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, पेप्सी की प्राइस कम हो गई, तो लोग कोको कोला से कहाँ पे आ जाएंगे, पेप्सी पे आ जाएंगे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, बस वही, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब अगर बात करूं मैं किसकी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। जैसे पेन हो गया, पेन में क्या नहीं लगी कि तो पेन नहीं चलेगा, इंक, सर मेरे को इंक चाहिए ही चाहिए अगर मेरे को पेन को चलाना है। सर जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार मेरी चलेगी नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है सर यहाँ पे, ऑपोजिट मतलब एक के बिना दूसरा, जिसको मैं बोलता हूँ जॉइंट डिमांड। अगर कार ज्यादा बिकेगी तो पेट्रोल ज्यादा बिकेगा, अगर पेन ज्यादा बिकेगा तो ऑब्वियसली बात है सर इंक भी ज्यादा चाहिए। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर इंक की प्राइस बढ़ गई तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑपोजिट रिएक्शन कर रहा है, मतलब एक की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरा मार्केट से आउट हो रहा है, दूसरा मार्केट से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब जॉइंट डिमांड, जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास टी और शुगर, टी और शुगर के केस में भी, टी और शुगर के केस में अगर शुगर की प्राइस बढ़ी तो टी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की मार्केट में वैल्यू क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, बेसिकली कम हो रही है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसकी वजह से भी डिमांड मेरी फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट आता है मेरा टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मेरी बात समझो कि लोगों का टेस्ट है। अगर मैं सिटी में जाके ट्रेडिशनल कपड़े बेचता हूँ, ट्रेडिशनल कपड़े इन द सेंस धोती वगैरह बेचता हूँ, तो क्या सिटी में कोई खरीदना पसंद करेगा क्या? नो डाउट कुछ लोग होंगे खरीदेंगे, पर क्या हर कोई खरीदेगा, क्या नहीं खरीदेगा सर? वही अगर मैं रूरल एरिया में, विलेजेस एरिया में, ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे लो कैटेगरी लोग रहते हैं, जहाँ पे पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, तो फिर वहां पे हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। मतलब जहां पे जो टेस्ट होगा वहां पे वो प्रोडक्ट बिकेगा। उसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे क्या बोल रहा है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिमांड डिटरमिनेंट्स। जनरली स्पीकिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन द सोशल कस्टम्स हैबिट ऑफ द पीपल एंड द जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द सोसाइटी। सो चेंज इन दिस फैक्टर ब्रिंग द चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसके वजह से मेरे कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मेरी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अपन को लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड के भाव, मतलब भाव मतलब प्राइस इंक्रीज होगा। अरे गोल्ड, सोना इंक्रीज होगा, सोना की प्राइस इंक्रीज होगी। सोना इंक्रीज नहीं हो रहा है, सोने की सप्लाई उतनी, सोना की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो मैं मैं अच्छे से इन्वेस्ट हो सकता हूँ क्या सर? फ्यूचर में और सोने के भाव बढ़ सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए हो जाएंगे आगे चल के सोने के, तो क्या करूंगा मैं, अभी ही सोने की डिमांड इंक्रीज कर दूंगा। मेरे को लगता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, फ्यूचर में कम होगी, तो आज मैं डिमांड नहीं करूंगा, फ्यूचर में डिमांड करूंगा। मतलब गोल्ड की भाव मेरे को लग रहा है कि आगे चल के कम होंगे, तो मैं क्या करूंगा, अभी उसकी डिमांड डिक्रीज कर दूंगा, फ्यूचर में जाके मैं उसकी डिमांड इंक्रीज करूंगा। तो यही बोल रहा है मेरा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंज इन प्राइस, इनकम, सप्लाई पोजीशन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन के अंदर, तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। दस फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है, दे वुड बाय मोर, इसलिए वो अभी क्या कर लेंगे, अभी से बाय इंक्रीज कर लेंगे। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो फिर अभी डिमांड इंक्रीज कर देगा। एक और डिटरमिनेंट आता है मेरा, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर सर क्या हो रही है, सर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दिखती सी बात है सर नेसेसिटी गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेसेसिटी गुड्स नहीं, हर गुड्स की डिमांड क्या होगी, अरे लोग पैदा होंगे तो कम से कम खाएंगे तो सही ना, तो एसेंशियल गुड्स की तो डिमांड बढ़ ही रही है ना। तो बेसिकली बात है सर, पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगा डिमांड मेरी कम होगी। पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये वाला पॉइंट, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इट्स कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन अ प्राइस
ये वाला प्राइस एज पर द कैपिटल इनकम टेस्ट एंड डिफरेंस लार्ज ऑफ द पॉपुलेशन लार्जर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाइज वर्सा दस विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो रही है डिमांड फॉर द वेरियस प्रोडक्ट विल आल्सो shown increasing तो उसकी डिमांड भी क्या होगी इंक्रीज होगी. बिसाइड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट रीजन आर आल्सो इन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल डिमांड कितना लोग मेल है कितने फीमेल है. अगर मेल ज्यादा है तो मेल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी फीमेल ज्यादा है तो फीमेल प्रोडक्ट की डिमांड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है मेरा डिमांड फैक्टर. तो दोस्तों यहाँ पे अपना चैप्टर होता है डिमांड कंसेप्ट चैप्टर नंबर टू बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेम फर्स्ट का चैप्टर नंबर टू डिमांड कंसेप्ट होता है यहाँ पे खत्म.